सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अम्बा पार्वती का जब विवाह हुआ भगवान शंकर से, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन पराम्बा भगवती ने कहा, भोलेनाथ आपको पति के रूप में पाकर मैं कृतकृत हो गई, सफल हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन प्रभु, कन्या विवाह से पहले तो पति का चिंतन करती है, अच्छा पति मिले। अब पति मिलने की देर है कि फिर पुत्र बढ़िया मिल जाए, मेरे माँ बन जाऊँ, इच्छा होती है। तो जैसे यशोदा की गोद में कन्हैया खेले हैं, कौशल्याम्बा की गोद में राम खेले हैं, मैं चाहती हूँ मेरी गोद में भी भगवान कृष्ण पुत्र बन करके आ जाए। ये बात ध्यान देना है आपको। गणेश, भगवान कृष्ण ही गणेश बनते हैं, समझे? और गणेश, कृष्ण को मानने वाले गणेश को नहीं मानते, जबकि मोटे गणेश यहाँ प्रमाण बैठे हुए। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, हर भी व्यक्ति ऊंची से ऊंची बात सोचता, मैं इतना बड़ा धनवान हो जाऊं, इतना ज़्यादा विद्वान हो जाऊं, ऐसा ऊंचा पद मुझको मिल जाए, आदि आदि बातें। लेकिन देवी, सोचने से नहीं मिलता है, उसके अनुरूप साधना करनी पड़ती है। साधना के बिना सिद्धि नहीं है। अगर सोचने से सब होने लगता तो सारे लोगों को सफलता ना मिल गई होती। अगर तुम ऐसा पुत्र चाहती हो कि कृष्ण तुम्हारी गोद में खेलें, उसके तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। व्रत है कठिन, सबसे सध नहीं आ, कलयुग की स्त्रियां तो कर ही नहीं सकती। उसका नाम है पुण्यक व्रत। ये एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, एक महीने का नहीं है, एक वर्ष का है। छह महीने तो सामान्य फलाहार करके रहना होता है, सामान्य भोजन, फिर पांच महीने सामान्य फल, फिर 15 दिन केवल जल, उसके बाद 15 दिन केवल वायु। माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से ये व्रत प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी होती है। इस व्रत को करके ही देवियों ने बड़ी सफलताएं प्राप्त की हुई है। पर कलयुग संभव नहीं है ना भाई। इंद्राणी ने ये व्रत किया तो जयंत पुत्र को पैदा कर लिया उन्होंने। एक एक गिनाए शंकर जी ने, कई नाम गिनाए, समय थोड़ा है। ये व्रत बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, कलयुग में नहीं हो सकेगा, प्रयास नहीं करना है। अच्छा, करेंगे भी तो पूरा निवेगा नहीं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन 1 वर्ष के लिए, और 1,00,000 पुष्प प्रतिदिन भगवान को चढ़ाना हो, 1,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन देना हो, आदि आदि बहुत सारे नियम उसमें लिखे हैं। पार्वती अम्मा ने कहा, मैं करूंगी, यदि कृष्ण मेरी गोद में आते हैं इस व्रत के करने से, तो मैं कष्ट सहन करूं। इसके लिए कोई सुयोग्य ब्राह्मण चाहिए, कर्मकांडी, वेदांती, जो 1 वर्ष पास साथ रह के पूजन पाठ रुच कराते। सनत कुमार,
चार भाई हैं ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनको पुरोहित नियुक्त किया जाए। उन्होंने भी स्वीकृति दे दी कि मैं एक वर्ष तक यहीं रहकर पूजन पाठ कराऊंगा। पर्वतराज हिमालय को पता लगा कि मेरी पुत्री कठिन व्रत करने जा रही है, बहुत सारा सामान लेकर के आए हैं, हीरे मोती जवाहिरात बहुत लुटाया, मेरी बेटी का व्रत निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए इसलिए करते हैं। चल पड़ा, प्रसंग लंबा है, वही सुनाएंगे तो फिर ये भी रह जाएगा ना थोड़ा। बराबर पूजन चल रहा, 1,00,000 बार नमस्कार भी करना पुष्प चढ़ा। समझ लो व्रत पूर्ण हुआ साल भर। माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से प्रारंभ हुआ है और उसी त्रयोदशी में आके पूर्ण होता। भोलेनाथ अम्बा पार्वती अंदर प्रवेश करते हैं, एक बूढ़ा ब्राह्मण आ गया, माँ माँ आपने इतना दान किया, इतने बड़े देवताओं ब्राह्मणों को भोजन कराया, पर मैं आपका पुत्र भूखा बैठा हुआ हूँ, कई दिन से मुझे भोजन नहीं मिला, देखो मेरा पेट पीठ में चिपक गया हुआ है, मुझे इतना खिला दो कि खाते खाते मेरा पेट बाहर आ जाए। आओ महाराज, सौभाग्य है आप जैसे अतिथि बन के आए हैं मेरे यहाँ, मैं अभी भोजन कराती हूँ। भोजन की व्यवस्था कर रही थी, जब तक देखा लौट के देवता गायब हो गया। ब्राह्मण घर से भूखा चला जाए, अतिथि चला जाए, वो तुम्हारा पुण्य में मादाय गच्छति, शास्त्र का वचन। आपके दरवाजे में आया हुआ भूखा व्यक्ति अगर लौट जाता है तो अपने पाप दे जाता है और आपके पुण्य ले जाता है, पुण्य मादाय गच्छति। इसलिए भोजन के समय अगर अतिथि आए तो अपने को भले भूखा रहना पड़े पर अतिथि को भोजन देना चाहिए। अब तो अम्बा पार्वती व्याकुल हो गई, मैंने इतना साल भर किया सब बेकार हो जाएगा, अतिथि और ब्राह्मण इतना भूखा पेट पीठ में चिपका हुआ चला गया, कहाँ गया क्या हुआ। तब तक आकाशवाणी हुई, देवी आपका व्रत पूर्ण हो चुका है, उसका फल भी मिल चुका है, अभी फल कहाँ मिला होगा, अभी तो पुत्र के अपने शयन कक्ष में जाके देखिए आपको पूर्ण फल। जैसे शयन कक्ष में अम्बा ने जाके देखा, पलंग के ऊपर भगवान कृष्ण गणेश के रूप में किलकारियां मारे, देवता खुश हो गए।